गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ बोईसर ग्लोबल विपाशिना पगोड़ा घूमने, तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। तो यहाँ से जाएंगे सबसे पहले स्टेशन, पकड़ेंगे 8:30 की फ्लाइंग रानी, वो उतारेगी हमें 9:30 बोरीवली, और बोरीवली से कैसे जाना है वो मुझे भी नहीं पता, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। ये देखो कितनी खूबसूरत सुबह हुई है, और अभी बजे 7:30 और हमारी 8:30 की ट्रेन है। भाई साहब मजदूरों की भीड़ देखो, कितने सारे मजदूर है। सो गाइस ये मौसम देखो कैसा हो रहा है, जैसा लगता है कि अब भी बारिश गिरेगी, लेकिन बारिश ना गिरे तो ये अच्छा है। और ये हम हैं पालघर के रेलवे स्टेशन पर, ये देखो, और यहाँ से जाएंगे बोरीवली। पानी नहीं हो रहा है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बोरीवली स्टेशन। सो गाइज ये देखो, ये बस के लिए गिरदी लाइन देखो, बस के लिए, और ये ऑटो स्टैंड। अभी इसको इनको पूछते हैं, गोरई घाट जाना है हमें, और ये मुंबई बोरीवली। ओ भाई साहब ये देखो गाइज मुंबई के नज़ारे, और एक ये लिया है नीरा, और यहाँ से गोरई घाट है अपना 3.5 किलोमीटर असल ना, 4.5 किलोमीटर है यहाँ से गोरई घाट। सो गाइस इस दुकान से थोड़ा नाश्ता, पापा के लिए पोहे ले लिए और मम्मी के लिए वड़ा पाव, मैं कुछ नहीं खाने वाला। थोड़ी ये मसल पहले ना, तो डॉक्टर ने बोला कि बाहर का भी खाना बना है, तो मम्मी के लिए 2 वड़ा पाव और पापा के लिए पोहा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ये पक्का, महीना भर तक तो कुछ भी नहीं। तो गाइस अभी जाएंगे अंदर, अंदर जाकर सबसे पहले टिकट लेंगे, टिकट का भाव शायद 50 रुपये है आने जाने का दोनों का। तो आपको सब फेयर्स बताता हूँ कि किसका कितना भाड़ा हुआ, ट्रेन का वहाँ से यहाँ तक के रिक्शा का, और यहाँ से पगोड़े तक इसका फेरी का। तो गाइस ये जो सामने लिखा है ना हनुमान मंदिर, उसी के जस्ट बाजू में यहाँ हमें जाना है, यही है पगोड़ा का गेट है, एंट्री गेट, यही से ही एंट्री होते हैं। हमें शायद फेरी की टिकट लेनी पड़ेगी अंदर से, और फिर जाएंगे। ये देखो बोरीवली लिखा ना, बोरीवली आना है आपको। ये देखो गाइस कुछ ऐसा टिकट मिलता है, 100 रुपये का टिकट है, रिटर्न टिकट है। मुझे लगा था 50 का होगा, लेकिन 100 का निकला, तो 300 रुपये हो गए रिटर्न के, बहुत महंगा हो गया। पहले 50 का था, अभी 100 का हो गया। देखो ये आपको टिकट काउंटर भी मिल जाएगा, वाटर पार्क के लिए भी टिकट मिल जाएगी आपको यही से ही, और पगोड़ा तो फ्री है ही, तो पगोड़ा के लिए कुछ टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फेरी के लिए टिकट लेने की ज़रूरत है, और वाटर किंगडम के लिए आपको 1200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। सो गाइज आपको देखो बैठने के लिए बेंचेस भी बनाए यहाँ पर, और ये देखो गंदे भी है थोड़े, और ये फेरी साइड जाने का रास्ता। तो इस जगह का नाम है गोराई घाट, तो आपको बोरीवली स्टेशन पर उतर के सीधा आपको आना है गोराई घाट, और रिक्शा वाले मतलब 4 जन को बिठाएंगे तो 30-30 रुपये लेंगे, और आप अगर स्पेशल रिक्शा करोगे तो 120। तो मैंने स्पेशल रिक्शा ही कर दी थी 120 की, तो डायरेक्ट उसने मुझे गोराई घाट पर छोड़ दिया, और यहाँ से फेरी के 300 रुपये लिए रिटर्न के। तो आप देख लेना आओ तो, और बाहर जो गाइड है ना उनसे ज़रा संभल कर, वो आपको लूटेंगे ही, आप उनको एटीएम की तरह दिखोगे कि आओ भाई टूरिस्ट गाइड जो होते हैं ना बाहर के, वो आपको लूटेंगे। तो गाइज वो आपको दिख रहा है ग्लोबल विपाशिना पगोड़ा, वहीं पर हमें जाना है, और सामने से मिलेगी फेरी। तो गाइज अभी देखो फेरी में बैठ चुके हैं, फेरी की निकलने की तैयारी है। देखो अभी तो कुछ भी नहीं भरी फेरी, अभी तो भरनी बाकी है। तो गाइज हमारी बोट निकल चुकी है पगोड़ा से नहीं गोराई घाट से, अभी किस साइड जाएगी वो हमें पता नहीं। गई भैंस पानी में, विपाशिना पगोड़ा, अभी जाने का रास्ता कहाँ से है वो नहीं पता, तो अभी डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे उतर कर ही। दिखने में अच्छा है, ये टापू पर ही है, आजू बाजू कुछ भी नहीं है। सो गाइस ये देखो ये बेचारे कब पहुँचेंगे, हाथ से नाव चला रहे हैं बेचारे को, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा दिन लग जाएगा। ये नज़ारा अच्छा है, इसकी तो भाई फोटो निकाल लीजिए।
गाइस वहाँ जो पोर्ट था वहाँ से हमको यहाँ पर लाया है इस पोर्ट के पास। इस फेरी ने हमें यहाँ पर उतार दिया। इस रोड से होते हुए जाना है ये रहा ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। सो गाइस ये देखो हम आ चुके अंदर। अभी ये विपश्यना जाने की टिकट, ये तो ऐसे वर्ल्ड है, हमें शायद इधर जाना है ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। ये देखो ये लिखा है ना वाटर किंगडम पार्क, ये इधर हमें इस साइड जाना होगा। देखो गाइस लिखा है ना विश्व विपश्यना पगोड़ा आपका स्वागत है, तो यही से हमें जाना है पगोड़ा। लास्ट फेरी शाम 6 बजे तक। तो गाइस अभी एक हो चुकी है प्रॉब्लम, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा, समझ लेना। प्रॉब्लम हो गई है मेन, तो अभी डिस्कस नहीं करते, अभी घूमते हैं, डिस्कस आपको बाद में बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ तो बहुत बड़े बड़े पार्ट हो जाएंगे 5-6 मिनट के, तो आपको भी कंटाला ना आए और मुझे भी कंटाला ना आए। तो अभी जाते हैं, एंट्री कहाँ से वो देखते हैं। ये देखो गाइस ये सोलर पैनल्स कितना बड़ा बनाया है, और नीचे देखो पूरे सोलर पैनल्स ही पैनल्स, बहुत बड़ा है। और ये देखो नारियल का पेड़, और ये पकौड़ा। सो गाइस ये देखो ये अच्छा करके रखा है कि भाई बारिश में ऐसे पत्थर नीचे ना आए, इसलिए उन पर जालियां लगा कर रखी है। और ये रोड बना के रखा है, लेकिन गाड़ी तो एक भी आ जा नहीं सकती। ये देखो गाइस यहाँ गया ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। ओ भाई साहब डायनासोर है, डायनासोर की ड्रैगन है, पता है ड्रैगन जैसी मूर्ति बनाई है। और ये देखो भाई साहब एक नंबर कलाकारी है। सो गाइस ये है म्यामा विपश्यना द्वार, चलो चलते अंदर। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा। और ये देखो ये शायद शॉप है, आपको कुछ खरीदी करना हो या कुछ लेना हो उसके लिए शायद। ये देखो सो गाइस ये देखो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो अंदर। ये देखो क्या मस्त दिख रहा है। ये देखो गाइस ये देखो क्या लिखा है, बजा नगाड़ा धर्म का गुंजे चारों ओर। वाह सही लिखा है। ये देखो मंदिर तो एक नंबर है, और ये आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे रहने के लिए। सो गाइस तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में।